उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद गोवर्धन तहसील से सबसे बड़ी खबर। तहसील गोवर्धन में राहुल यादव एसडीएम के नेतृत्व में लेखपाल कर रहे हैं अवैध रूप से भ्रष्टाचार, कर खुली वसूली। वसूली का वीडियो हुआ वायरल। गोवर्धन तहसील के लेखपाल ओम प्रकाश ने बताया गया कि रिश्वत लेने वाले का नाम जो मौजा फोर्डर पर है तैनात। पूर्व लेखपाल खा चुका है 600, लेखपाल ओम प्रकाश ने 6500 में किया सौदा तय। 1000 पहले 5500 काम होने के बाद किसान यूनियन के नेता वेद वीर द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। एसडीएम राहुल यादव को अवगत कराने के बाद भी अभी नहीं हुई लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई। राहुल यादव एसडीएम गोवर्धन दे रहा है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को खुलकर संरक्षण। राहुल यादव एसडीएम के नेतृत्व में तहसील गोवर्धन में चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। बेगार रिश्वत के नहीं होता है तहसील में कोई भी का। प्रदेश में भ्रष्टाचारी तहसील के नाम से कुख्यात है गोवर्धन तहसील। योगी के शासन में भ्रष्टाचारियों का आतंक। अगले 5 साल में सत्ता से रिमूव कर देंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को। भ्रष्टाचार के खेल में तहसील से लेकर शासन तक है भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जड़। गांधी छाप नोटों से उड़ा है गोवर्धन तहसील में भ्रष्टाचार। गोवर्धन मथुरा से डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी की खास रिपोर्ट। लेखपाल जी आप यहीं रहेंगे, ये रहे, ये है नोटों का नंबर। मैं तो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये रहे। चलो मुझे ये लाओ। ये रहे नोटों के नंबर। ये नोटों के नंबर है। ये नोटों का नंबर वो करिए। आप नोट निकालें। ये तो कर लिया आपने सर। एसडीएम साहब आगे ले लो इनको। यहां पर रुको भाई साहब, एक मिनट। चलिए कहां तक चलना है? चलिए वहां तक चलना है, वहां तक जाएंगे बस। अरे कमाल ही करते हैं, कमाल ही करते हैं। पैसे निकालें आप, वो जो आपने रिश्वत ली है। चेतावनी देने के बाद भी नहीं मान रहे। हम बिल्कुल मान रहे हैं। जो आपने रिश्वत ली है वो पैसे निकालें। पैसे अगली जेब में है। मैं किसी के नहीं सुन रहा हूँ। मुझे सुन यार, मैं बोल चुका हूँ। तहसील काम करेंगे तो तहसील साहब चाहिए मुझे। नहीं, आप पैसे निकालें। पैसे ना दें किसी को। पैसा किसी को नहीं देंगे आप। पैसा निकाल रहा है। पैसा किसी को नहीं देंगे। ये तो दिख रहा है यार, तू सारा दिख रहा है। आप नहीं पड़े। आप नहीं पड़े। दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहे हो तुम। नहीं रखो, कुछ दिख रहे हो। पैसा पैसा निकालिए। आर के बाबू आप पैसा निकालिए। कोई अगर किसी में पड़ेगा वो देख लो आप। चलो पैसा दीजिए। पैसा आप किसी को दोगे नहीं। पैसा दीजिए, पैसा निकाल के दीजिए भाई साहब। आपका पैसा नहीं है, किसान का है। आइए आइए, चलिए आइए। दीजिए किसको देने हैं? कहां तक चलोगे यार? किसको देने हैं? जाओगे कहां तक? पैसा किसको देने हैं? जाओगे? पैसा दीजिए। किसान का पैसा आपका पैसा नहीं है, आपका है। पीछे से क्या निकालना है? आपका है तो आप साबित करिए। इस पैसे साबित करिए। पैसा दीजिए भाई साहब। नोटों का नंबर है भाई साहब, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। पैसा दीजिए। ये नोटों का नंबर है। नहीं पाओगे लेखपाल जी, मैं बोल रहा हूँ, बच नहीं पाओगे। पैसा दे, पैसा दे, पैसा है, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दीजिए पहले, पैसा दो, पैसा दीजिए। नहीं हम होते क्या मतलब? क्या लेके जा रहे हो तुम? भागोगे? पैसा लेके जा रहे हो? हाँ भैया जी, आपका नाम क्या है? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, कहाँ से, कौन सा काम है आपका? नगला धाम। नगला धाम भाग फाउंडर। अच्छा, भाग फाउंडर में आता है। तहसील, तहसील, अच्छा तहसील गोवर्धन। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो पिताजी, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय भरत सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी मतलब खत्म हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पास इस जमीन से पहले कोई जमीन थी क्या? ना। अच्छा, कोई जमीन नहीं थी। तो आपने ये जमीन खरीदी, कितने, कितना जमीन खरीदी जी आपने? ये सर मम्मी पापा ने, पापा ने की, उनके नाम पे जो भाई के और बाप पे थे। कितनी जमीन थी? कितनी? पांच बीसे। पांच बीसे जमीन है ये सर, पांच बीसे। तो पांच बीसे जो जमीन है वो कब खरीदी थी आपने? ये 2017 में। 2017 में खरीदी। तब से आज तक दाखिला खारिज नहीं हुआ? 2020 चल रही है, मई 2020 नहीं हुआ है? नहीं हुआ। प्रयास नहीं किया आपने? खूब किए, खूब किए। तो मतलब जो प्रयास किए तो लेखपाल जो है वो क्या कहते हैं? वो साहब पहले वाले जो पहले 700 रुपया पहले ले गए। 700 रुपए पहले ले गए। हाँ, वो ट्रांसफर हो गए? वो ट्रांसफर हो गए। मतलब इनसे पहले? हाँ, ओम प्रकाश जी इनसे। हाँ, पहले। अच्छा, इनसे पहले 700 रुपए लेके और चले गए। अब जैसे कि ये ओम प्रकाश जी जो आए हैं, तो इनसे क्या आपका डील हुआ था? इनसे साहब पता करी मैंने, तो इनने, मैंने फोन करो। हाँ। जिनने कही कि 6000 रुपया लगेंगे। पहले तो बुलायो कि वहीं आ जाता तहसील। ठीक है। कागज दे गए, कागज देख के नहीं, मान के नकल ले गया। मैं नकल ले वो। हाँ। देख के नहीं, इनने कही कि भाई 6000 रुपया लगेंगे जी। मैंने कहा साहब कमती बढ़ती कैसे कर लो। हाँ। कोई प्रोसीजर ना है, तो 2000 दे जाए मान ले, मैं धल्लो मैंने फिर नहीं होगा। तो मैंने साहब, मैंने कही मैं तो पैसा लाया ना, अब मैंने कही मैं तो पैसा लाया ना। हाँ। मैंने कछु भी लाए हूँ जो दे दे। ठीक है, बढ़िया। तो 1000 रुपये मैंने इनको दे दिए। फिर बोलेगा 5500 रुपया और दे दिए। मैंने कहा तुम तो बाल छह की कह रहे, मैंने कहा दो बार दोगे तो 6500 लगेंगे। ठीक ठीक। एक बार दे इकट्ठे तो 6000 है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये स्थिति रही है, ये स्थिति। तो आपने 1000 रुपये उन्हें दे दिए? 1000 रुपये दे दिए उनको। और मेरे ख्याल से नोटों के नंबर भी लिख लिए थे। नोटों के नंबर भी। चलो ये आपने चतुराई का काम किया,
और आप जैसे एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा जागरूक व्यक्तियों की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।